मुरादाबाद जनपद की अगवानपुर नगर पंचायत स्थित समर वैली स्कूल में जूनियर कक्षाओं के बच्चों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। अभिभावक कार्यशाला के साथ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड वितरित करने के साथ साथ सभी बच्चे अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। स्कूल के डायरेक्टर करण मनचंदा, अक्षय मनचंदा और विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने सभी बच्चों को सम्मानित किया और कहा कि बच्चे हमेशा भगवान का दूसरा रूप होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समर वैली स्कूल काम कर रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों का ये कहना था कि स्कूल द्वारा किए जा रहे कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए वे कम है। सिटी चैनल से बात करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों ने कहा, सर आपका बच्चा यहाँ समर वैली में पढ़ता है, क्या आपके व्यूज हैं स्कूल्स को लेकर? मेरे ख्याल से तो समर वैली एक बहुत अच्छा स्कूल है एंड मेरा बच्चा पिछला साल जो फोर्थ उसका ग्रेड गया है उसमें मेरा बच्चा चार स्कूल में रह करके आया है बिकॉज ऑफ आर कंटिन्यूअस हमारी जो शिफ्टिंग्स हो रही थी उसकी वजह से वो चार स्कूल से होकर के आया। हम लोग झांसी भी चले गए थे, झांसी से वो लौट करके वापस आए हैं। तो मैंने आते ही प्रिंसिपल साहब के साथ में बातचीत करी कि सर कैसे करा जा सकता है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छी, बहुत सुलझी हुई फैकल्टी है और उन्होंने मेरे बच्चे को इतना अच्छे से ग्रूम कर दिया कि फोर्थ स्टैंडर्ड से शी इज़ इनटू फिफ्थ स्टैंडर्ड नाउ। मैं स्कूल को भी और बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो पास होकर के नेक्स्ट क्लास में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सर वी आर ऑलवेज हैविंग पॉजिटिव व्यूज बिकॉज हमने पहले ही सुना था कि समर वैली इज़ गुड बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स मीन्स हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस का प्रॉब्लम था बट नाउ वी आर हैप्पी दैट वी आर हैविंग अ वेरी वेरी गुड चेंजेस इन माई बेबी। सो वी आर हैप्पी विद द चिल्ड्रन एज वेल एज फैकल्टी, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव एक्चुअली। सो वी आर हैविंग गुड, यू नो वी कैन से कि हमें एक इतना अच्छा यहाँ पे स्कूल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। शी इज़ वेरी, देयर टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, इवन प्रिंसिपल सर दे आर कॉलिंग मी कि मैम कैसे आप बच्चे को क्या कर रहे हो, और उन्होंने हर टाइम पे हमारा फोकस किया है बच्चे के लिए। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्टाफ मेम्बर्स एज वेल एज प्रिंसिपल सर। थैंक यू। मैं डॉक्टर नितिन कुमार सक्सेना, मेरा बेटा ओजस सक्सेना क्लास 8 में और तेजस सक्सेना क्लास 4 में पढ़ रहे हैं इस टाइम। अब दे आर प्रमोटेड फॉर क्लास 9 एंड क्लास 5 और एक्टिविटी, ओवरऑल एक्टिविटी स्कूल में काफ़ी अच्छी हैं जिसकी वजह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का एक देखने को मिलता है। जितनी भी पार्टिसिपेशंस हम लोग यहाँ पर बच्चों को देखते हैं कि साइंस एग्जीबिशंस में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, तो काफ़ी बढ़ चढ़ के स्कूल वाले उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं जो कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो काफी अच्छा स्कूल कर रहा है और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने कहा कि आज विद्यालय में जूनियर कक्षाओं के बच्चों का वार्षिक परीक्षा फल घोषित हुआ है जहां सभी बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देने के साथ बच्चों को सम्मानित भी किया गया है, साथ ही अभिभावक कार्यशाला भी आयोजित हुई है। उन्होंने आगे कहा, सर टुडे वी हैड ऑर्गेनाइज्ड पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर द होल स्कूल, पेरेंट्स फ्रॉम ग्रेड नर्सरी टू ग्रेड 11 एंड 12 दे ऑल वर हियर। ऑल द स्टूडेंट्स वर गिवन देयर फाइनल एग्जाम रिपोर्ट कार्ड्स। All parents were also happy. Every child has performed really well. Parents are also happy and giving good feedback about the school. And we also thank all our teachers who have put up a lot of effort throughout the year. Sir, regarding education, at the end of academic year for kindergarten, every year we do a graduation ceremony. The children who are transitioning from kindergarten to grade 1, for them it's a major change because till this time they are in the hands of two teachers and an attendant. But now they will move into the class where there would be one subclass teacher and subject teacher. So there was a graduation ceremony for them in which every child was given their results as well as mementos from the school side. So parents feel honored, children get recognized, the whole year effort which they have put in, they feel felicitated by this and they feel encouraged to do much better and better in every coming year. विद्यालय में साइबर क्राइम और नई शिक्षा नीति के विषय पर एक सेमिनार भी आयोजित कराया गया जहां पर मुख्य वक्ताओं द्वारा सभी को जागरूक करने के लिए संदेश दिए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने मुख्य वक्ताओं का स्मृति चिन्ह और बुके देकर स्वागत किया। मुख्य वक्ताओं द्वारा सभी को ये जानकारी दी गई कि हम नई तकनीक के साथ अपने बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत
और समाज की जन समस्याओं को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को संदेश दिए जा रहे हैं। ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन डिजिटल पेरेंटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। एज वी ऑल नो दीज डेज साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, चिल्ड्रन आर फॉलिंग प्रे टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर स्कैम एज वेल एज डिफरेंट एप्स आर देयर व्हिच आर मेकिंग फ्रॉड्स एंड कमिंग into the lives of children and doing nonsense. So regarding that, we wanted to update children as well as parents about the latest technologies and how we can save our children and how we can save ourselves from such things. So for that, we arranged a workshop in our school, and experts have come from the company Extra Marks, and they organized this workshop on digital parenting and cyber security. इस अवसर पर एक्स्ट्रा मार्क संगठन की ओर से साइबर सिक्योरिटी व डिजिटल पेरेंटिंग से संबंधित विषय पर अभिभावकों से बातचीत की गई। प्रधानाचार्य विशाल उपाध्याय ने बच्चों के प्रति सावधानी रखते हुए माता पिता से जागरूक रहने के लिए कहा, तथा मानसी टंडन, शिल्पी आनंद, सोनिया निझावन के विशेष सहयोग के साथ समर वैली परिवार के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया।